नमस्ते इंडिया। आमतौर पर लोगों की सोच होती है कि बगल में से पसीना आ रहा है, इसकी वजह से बगल में से बदबू आ रही है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दरअसल आपके बगल में यानी कि आपके अंडर आर्म्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से बदबू आती है। जब ये बैक्टीरिया पसीने के साथ मिलते हैं तब बदबू पैदा होती है। ये आम तौर पर आपकी कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, कोई मेडिकल रीज़न की वजह से भी होता है। हॉर्मोन्स में जब उतार चढ़ाव आते हैं, या तो फिर अगर आप गंदे कपड़े चेंज नहीं करते हो और नहाते भी नहीं हो, इसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके चलते आपको जल्दी से पीछा छुड़ा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इसकी वजह से लोगों के सामने शर्मिंदा भी हो सकते हो। तो आज हम कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके बगल में से भी बहुत ही ज़्यादा बदबू आती रहती हो तो आप उसको कैसे घरेलू नुस्खे अपना कर, अपने किचन में ही पड़ी कुछ चीज़ों को अपना कर आप कैसे इस बदबू से पीछा छुड़ा सकते हो। इस बदबू से पीछा छुड़ाने में आलू जो है वो आपकी मदद कर सकता है। देखिए, आलू तो सबके घर में ईजिली मिल जाता है, तो आपको एक आलू को लेकर इसको रगड़ लेना है, इसका रस निकाल ले और कॉटन की मदद से या तो फिर हाथ की मदद से अपने बगल में अपने अंडर आर्म्स में इसको 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। फिर आपको साफ़ पानी से अपने बगल को धो लेना है। अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो बदबू की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आप इस दौरान टमाटर के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, टमाटर जो है वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है और साथ ही में आपकी बगल की बदबू को भी दूर करने में मदद करता है। तो इस दौरान आप टमाटर का रस निकाल कर भी 10 से 15 मिनट तक अपने बगल पर लगा कर छोड़ सकते हो। आप इसको फिर अच्छे से गुनगुने पानी से अपने बगल को साफ कर लीजिए। इस दौरान आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर अगर आपका बगल जो है वो एकदम काला पड़ गया है तो इस दौरान भी आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, नारियल तेल जो है वो हमारी स्किन को अलग अलग तरह से बेनिफिट देता है, तो आपको नारियल तेल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपको 15 से 20 मिनट तक नारियल तेल को अपने बगल में लगाकर छोड़ देना है, फिर इसको गुनगुने पानी से साफ कर लेना है। इससे भी जो है वो आपकी बदबू की जो शिकायत है वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। बेकिंग सोडा जो है वो बहुत सारे स्किन के रिलेटेड नुस्खों में यूज़ किया जाता है, तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके अंदर पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें, फिर इसको भी 10 से 15 मिनट तक अपने बगल पर लगाकर छोड़ दीजिए। फिर साफ़ पानी से, गुनगुने पानी से अपने बगल को साफ कर लीजिए, या तो फिर आप बेकिंग सोडा के अंदर नींबू का रस मिलाकर भी इसे पेस्ट बनाकर भी सेम यही प्रोसेस कर सकते हो। एलोवेरा जेल है वो स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। स्किन की प्रॉब्लम में, हर स्किन की प्रॉब्लम में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप अपने बगल की बदबू को दूर करने में भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप फ्रेश एलोवेरा जेल की पत्तियों को काट कर, या तो फिर आप मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो। इस पेस्ट को निकाल कर, यानी कि एलोवेरा जेल को निकाल कर, फ्रेश एलोवेरा जेल को निकाल कर आप अपने बगल में लगाकर 10 से 15 मिनट तक, यानी कि मैक्सिमम आप 20 मिनट तक लगा कर रख सकते हो। फिर आपको इसको साफ़ पानी से धो लेना है। इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।